सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज इंडिया को इस रेड बटन को दबाकर और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज इंडिया। और आज हम रिएक्शन कर रहे हैं जीतो पाकिस्तान के वीडियो पर आफ्टर लॉन्ग टाइम फहद मुस्तफा को। इस वीडियो का टाइटल क्या है? पोजीशन होल्डर। आर यू श्योर? मतलब कोई पोजीशन होल्डर, अब वो किस तरह की पोजीशन होल्डर है वो तो देखना पड़ेगा वीडियो में। तो उसके लिए हम पहले वीडियो देख लेते हैं। हाँ। कुछ ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है तो देख लेते हैं क्या है आखिर ये पोजीशन होल्डर है कौन। पोजीशन होल्डर किसको बोलते हैं? पोजीशन, एक पोजीशन पे बना हुआ जो बंदा रहता है। ओके, तो देखते हैं। सो देखते हैं वीडियो को, फिर इस बारे में बात करेंगे। सो हियर वी गो। व्हाट्स योर नेम लड़की? राबिया। राबिया क्या करती है बेटा? जी क्या करती है बेटा? क्या करती है बेटा? नाइन्थ में। बताओ कौन सा डब्बा? देख के नहीं लग रहा है। पढ़ रही हो तो हमारे पर एहसान थोड़ी कर रही हो। बताओ कौन सा डब्बा खोले? पूछ लो। रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा? पास होगी तुम नहीं होगी? पोजीशन होल्डर। और ओप तेरी, तभी तो नखरा है। पोजीशन होल्डर है। क्लास में हमेशा एक लड़की ऐसी होती है जो सबकी चुगलियां करती है। हां, जो टीचर से जबरदस्ती होमवर्क भी लेती है। सही है। और हम जैसे स्टूडेंट्स को बर्बाद करती है। मेरे साथ हुआ है। मिस आपने टेस्ट का कहा था, याद दिला दूं आपको, तुम वही हो ना? बताओ कौन सा डब्बा खोले वाली है? अब ये पूछोगी? पोजीशन होल्डर हो बेटा, तुम खुद बताओ। फिर भी थोड़ी कंफ्यूज। आप पूछो पूछो, किससे पूछोगी? हेलो सर, क्या हाल है आपके? पापा हैं आप इनके? मैं अंकल हूँ इनका। एक ही बात है, बताइए कौन? ओह माय गॉड। अच्छा, एक चांस दे दीजिएगा सर। ऐसा चांस देंगे आपको, दुनिया देखेगी। बताइए कौन सा डब्बा खोले? नंबर 15। अब बच्चे से पूछोगे तुम? 15। एक पोजीशन, बच्चा भी कंफ्यूजन में बोल रहा है। नंबर 15। आओ वही देखते नंबर 15 में क्या है। पोजीशन होल्डर, आर यू श्योर? नंबर 15, आर यू श्योर? पक्का? एक, दो और इन्वर्टर खुल गया। इन्वर्टर लग रहा है। इन्वर्टर? हाँ, देखना फोटो क्या बना हुआ है। या तो जनरेटर होगा। अच्छा काम आएगा जनरेटर तुम्हारे। जनरेटर? हाँ, जनरेटर तो लग रहा है ना। एंजॉय। वाह यार, जो भी था अच्छा था। पोजीशन होल्डर के लिए तो सही चीज खुली है। हाँ। लाइट चली जाएगी। हाँ। तो पोजीशन होल्डर को जनरेटर चालू करके पढ़ाई कर लेगी। बिल्कुल सही है, बहुत सही चीज खुली है उसमें। और जीतो पाकिस्तान के शो को जब भी देखो ना, बहुत इंटरटेनिंग लगता है। मैं तो कभी कभी पूरा पूरा एपिसोड देख लेता हूँ। टाइम होता है तो कभी कभी देख लेता हूँ। फहद मुस्तफा की जो एंकरिंग है ना यार, मुझे बहुत पसंद है यार। बंदा मतलब पूरा, मतलब एक गेम शो को एक कॉमेडी शो में बदलने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है भाई। जो बातें होती है ना, जो कॉन्वर्सेशन होता है, चलो जीतना हारना तो अपनी जगह, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन है ना लोगों से, वो मुझे होता है। चलो जैसे अभी इन्होंने बोला, क्या करती हो बेटा, क्या करती हो? पोजीशन होल्डर। आप समझ रहे हैं वीडियो का टाइटल क्यों था पोजीशन होल्डर? हाँ यार, सच में यार ऐसी लड़कियां होती है मेरे साथ भी, मेरी क्लास में। मतलब हम सोचते हैं कि चलो मैडम टेस्ट लेने का, टाइप ऑफ गर्ल्स। मतलब मैंने सोचा चलो आज मैडम भूल रही होगी टेस्ट लेना, बचे जब तक आवाज आती धीरे से, मैम आपने बोला था कल टेस्ट लेंगे। तैयारी करके आई हूँ। तू तैयारी करके आई, हम थोड़ी ना आए हैं यार, थोड़ी ना चुप रहे ना। भूल गई तो भूल गई, परेड खत्म होने वाला रहता है। आधे घंटे का परेड है उसमें, मतलब बचे हुए 20 मिनट निकल चुके हैं। एक घंटे का परेड है उसमें से 20 मिनट निकल चुके हैं। 30 मिनट में मैडम पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हमको लगा कि हमको तसल्ली मिल गई, मैडम भूल गई। लास्ट के 20 मिनट पहले मैडम बोलेगी, मैम आप टेस्ट लेना भूल गई हैं क्या? आज टेस्ट था ना हमारा। नहीं, पहले वो लड़की क्या है, उसकी 2-3 फ्रेंड से डिस्कशन करेगी। हाँ, डिस्कशन होता है। ये लाइन तो भूल ही गया था। तुमने प्रिपरेशन कर ली है ना इसके बारे में? वो बोलेंगे हाँ हमने कर ली है। तो फिर पता नहीं ये लड़कियों में क्यों इतना होता है, एक दूसरे के पीछे पढ़ाई के पीछे पड़ जाते हैं। और हाँ, एक बंदा भी रहता है, एक लड़का भी रहता है। एक चीज में बोलना चाहूंगा, साइरस जैसा, वायरस जैसा। गर्ल्स जो है ना, ये सिर्फ क्लास में अच्छा पढ़ती है, एक रिजल्ट के टाइम में जो बॉयज नहीं पढ़ते उनके ज्यादा परसेंटेज होते हैं। ऑब्वियसली मैं अगर अपनी बात करूँ, खुद की बात करूँ, तो मैं पढ़ने में जो था 0, बट नंबर अगर मैं बताऊँ रियल में तो बहुत अच्छा आया था भाई। फर्स्ट डिविजन में पास हुआ था। और मेरे मामू ने मिठाई बांटी थी। मुझे याद है, इसके पापा ने कि मेरे मामू ने मिठाई बांटी थी उस दिन। मेरे घर वालों ने मिठाई नहीं बांटी। पास हुआ था ना? 12th में पास हुआ था, फर्स्ट डिवीजन। और सबको लग रहा था ये बंदा क्या पास हो जाए जैसे तैसे तो ठीक है, बट मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। सो बहुत खुश हुआ था सब। और रेल बताऊं, बहुतों को नकल करवाई थी मैंने, बहुतों। और मुझे तो मेरे टाइम पे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी मैं पास हो जाऊंगा। ये तो हो गया, बट पास हो गया। हो गया, हम खुशी मना रहे थे, हमने बहुत पार्टी करी इसके पास होने। चलो अभी बात करते हैं वीडियो की। तो ये पोजीशन होल्डर की अगर बात है
तो यही हमारा मुद्दा है आज का रिव्यू में कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कोई पोजीशन होल्डर था, लड़का था या लड़की, लड़की थी तो उसकी क्या स्टोरी है, प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, बताना जरूर ना। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दबाना बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।